हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज़ 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट इसका सॉल्व करेंगे जैसे कि फ़र्स्ट पार्ट दिया गया है टू एक्स प्लस फाइव मल्टीप्लाई फोर एक्स माइनस थ्री तो हम जानते ही हैं कि एक ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो पहली ब्रैकेट का जो पहला ट uh, पहली टर्म होगी 2x वो इन दोनों से ही मींस पूरी ब्रैकेट से ही मल्टीप्लाई होगी दूसरी ब्रैकेट से और इसकी दूसरी टर्म पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म भी दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो 2x एक्स इंटू फोर एक्स माइनस थ्री प्लस फाइव इंटू फोर एक्स माइनस थ्री इस तरह से इसको लिख देंगे 2x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x एक्स इंटू फोर एक्स एट एक्स स्क्वायर बनेगा 2x एक्स इंटू थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स एक्स बनेगा फाइव इंटू फोर एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स बनेगा फाइव इंटू माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन बनेगा अब एट एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा ट्वेंटी एक्स माइनस सिक्स एक्स लाइक टर्म्स हैं ट्वेंटी माइनस सिक्स फोर्टीन एक्स बनेगा माइनस फिफ्टीन तो इसका अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं तो फिफ्थ पार्ट में इस तरह से है ये टू पी क्यू प्लस थ्री क्यू स्क्वायर पहली ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट में थ्री पी क्यू माइनस टू क्यू स्क्वायर तो यहाँ का पहली ब्रैकेट की पहली टर्म टू पी क्यू पूरी ब्रैकेट दूसरी से मल्टीप्लाई होगी और पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म थ्री क्यू स्क्वायर दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी और उसको इस तरह से हम लिख देंगे टू पी क्यू के साथ ये पूरी ब्रैकेट फिर थ्री क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में पूरी ब्रैकेट इस तरफ लिख देंगे अब टू पी क्यू थ्री पी क्यू ये सिक्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बनेगा टू पी क्यू इंटू माइनस टू क्यू स्क्वायर तो ये माइनस फोर पी क्यू क्यूब बनेगा थ्री क्यू स्क्वायर इंटू थ्री पी क्यू थ्री थ्री नाइन पी और क्यू स्क्वायर इंटू क्यू क्यू क्यूब बनेगा हम जानते हैं कि अगर वेरिएबल सेम हो तो पावर्स जो हैं प्लस होती हैं थ्री क्यू स्क्वायर इंटू माइनस टू क्यू स्क्वायर तो ये आएगा माइनस सिक्स क्यू फोर रेस्टू बार फोर अब इसको हम लिखते हैं सिक्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर पी क्यू क्यूब पी क्यू क्यूब ये सेम है तो लाइक like टर्म्स हो गई तो नाइन माइनस फोर फाइव फाइव पी क्यू क्यूब आ जाएगा सिक्स माइनस सिक्स क्यू रेस्टू पार फोर यहाँ पर आ जाएगा तो ये पहला और पाँचवा पार्ट था इसका आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले तो फर्स्ट पार्ट में जैसे कि उसमें था इसमें भी वही है कि दो ब्रैकेट्स दी गई हैं फ़ाइव को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस टू एक्स को दूसरी ब्रैकेट से अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन हो गया फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स हो गया माइनस टू एक्स इंटू थ्री माइनस सिक्स एक्स हो गया माइनस टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया अब फाइव एक्स सिक्स एक्स लाइक टर्म है तो फाइव माइनस सिक्स वन एक्स माइनस वन एक्स यहाँ पर आ जाएगा इसी तरह से इसका कोई और पार्ट देखें तो यहाँ पर हम थर्ड पार्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू के थर्ड पार्ट को ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करना है तो ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा फिर बी ए प्लस बी स्क्वायर इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा बी इंटू ए ए बी बनेगा बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब बन जाएगा तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर थ्री में भी सॉल्व करेंगे इसका भी एक पार्ट हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट पार्ट जैसे है इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव तो पहले ब्रैकेट प्लस ट्वेंटी फाइव भी है यहाँ पर तो पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस फाइव पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और माइनस फाइव भी एक्स प्लस फाइव से मल्टीप्लाई होगा इसको इस तरह से लिखा जाएगा और एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू फाइव फाइव एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव एक्स बनेगा माइनस फाइव इंटू फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव बनेगा और ये प्लस ट्वेंटी फाइव एज इट इज़ आएगा अब ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव ये ज़ीरो हो गया और बचेगा क्या एक्स क्यूब फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स तो इस तरह से इसके पार्ट्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं